फ्लाइंग एम्बुलेंस। पंचवटी नाम के एक छोटे से गांव के पास ही एक मिलिट्री एयरपोर्ट था। वहां पर ट्रेनिंग के लिए प्लेन्स उतरते और उड़ते रहते थे। कुछ बच्चे दीवार कूदकर वहां के एक पुराने प्लेन पर चढ़कर खेलते रहते थे। उस गांव में जयदेव नाम का एक बूढ़ा एक पुराने वैन को चलाता हुआ गुजारा करता था। लोगों को उसमें ले जाता और जो पैसे वो देते थे उसे लेता था। उस गांव में अस्पताल ना होने के कारण जब भी किसी को जरूरत पड़ती तो अपने वैन में ही उन्हें शहर के अस्पताल ले जाता था। कभी कभी रास्ते में वैन खराब हो जाती और रुक जाता था, तब मरीज की पीड़ा को देखकर खुद भी बहुत दुखी होता था। एक बार उसका बेटा रामदेव शहर से गांव आया। पिताजी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है। कोलकाता में एक बड़े कंपनी में मुझे नौकरी मिली है। एक महीने में ज्वाइन करने के लिए कहा है, तब तक मैं यहाँ फ्री हूँ। तो कल से मैं ही आपके वैन को चलाता हूँ पिताजी। अगले दिन कुछ लोग एक आदमी को उठाकर उसके वैन के पास ले आए। बेटा, इसे हार्ट अटैक हो गया है, इसे तुरंत शहर ले जाना होगा, चलो चलो। यूं उसे लेकर वैन में तेजी से जा रहे थे कि एक जगह वैन बिगड़ कर रुक गई। अरे अब क्या करें, जल्दी नहीं पहुंचे तो ये मर जाएगा, कहकर चिल्लाने लगा। तभी वहां से गुजर रही एक कार को रामदेव ने रोका। एक्सक्यूज मी सर, इनको हार्ट अटैक हो गया है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप इन्हें लिफ्ट देकर शहर के अस्पताल ले जाएं। प्लीज सर, उनकी जान बचाइए सर, प्लीज। ए, तुम कौन हो? जानते हो मैं कौन हूँ? इस गांव का सबसे धनवान हूँ, नाम आशुतोष है। जानते हो मेरी कार की कीमत क्या है? तुम जयदेव के बेटे हो ना? उस वैन को और तुम्हें देखकर ही मैंने पहचान लिया था। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी गाड़ी को रोको और लिफ्ट मांगो, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, हटो रास्ते से, कहते हुए कार को लेकर आगे चला गया। ये देखकर रामदेव दंग रह गया। बाद में किसी ऑटो में उन्हें शहर ले गए, पर जब डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट मर गया है तो सब दुखी हुए। घर पर जयदेव, ओफो ये तो अनर्थ हो गया है बेटा, पर तुमने उस आशुतोष के कार को क्यों रोका? वो बहुत बुरा आदमी है। वैसे अपने गांव में अस्पताल क्यों नहीं है पिताजी? कम से कम एक एम्बुलेंस की सुविधा तो होनी चाहिए ना? यूं सरकार के भरोसे रहे तो अपनी जिंदगी का यही हाल होगा, यूं कहा गुस्से में। बाद में इस समस्या के बारे में सोचता हुआ जा रहा था तो उसे वहां बच्चे प्लेन के पास खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। तब उसे एक उपाय सूझा। उन बच्चों की सहायता से उस प्लेन का इंजन और पंखों को अपनी गाड़ी के साथ जोड़कर उसे एक फ्लाइंग एम्बुलेंस बनाया। उसे लेकर गांव के ऊपर उड़ने लगा तो गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। बाद में गांव वालों से, आप लोगों को जब भी जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिए, ये फ्लाइंग एम्बुलेंस आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यूं बीमारों को अपने एम्बुलेंस में उड़ा कर ले जाने लगा। ये सब देखकर आशुतोष को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन एम्बुलेंस के पास खड़े रामदेव के पास आशुतोष पुलिस को लेकर आया। सर, यही है जिसके बारे में मैंने बताया था, यही है जिसने एयरपोर्ट से प्लेन के पुर्जे चुराया था, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए सर। क्यों रे, लोगों की सहायता करके हीरो बनना चाहते हो? अरेस्ट कीजिए सर। पुलिस रामदेव को हथकड़ी डालने ही वाले थे कि एक आदमी एक बच्ची को लेकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। आशुतोष जी, आशुतोष जी, आपकी बेटी को सांप ने डस लिया है, उसका तुरंत इलाज ना किया तो उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए रामदेव के पास लाया हूँ हुजूर। ये सुनकर आशुतोष दंग रह गया। ए भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, अब मैं क्या करूँ? रामदेव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कार में चाहे जितनी भी तेज चलाऊं शहर टाइम पर नहीं पहुंच सकता, कृपा करके अपने एम्बुलेंस में इसे ले जाओ। सर, एसआई साहब प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज सर, कहकर विनती करने लगा। इस तरह रामदेव उस बच्ची और आशुतोष को लेकर सिटी हॉस्पिटल की तरफ उड़ने लगा। वहां अस्पताल के पास उतरा, वक्त पर इलाज हुआ
तो बच्ची उठकर बैठी। शाबाश रामदेव, तुमने बच्ची की जान बचाई, तुम वक्त पर ना लाते तो अनर्थ हो जाता। भाई रामदेव, तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, पर मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। पैसों के अकड़ में इतने दिन मैंने बहुत गलत बर्ताव किया। कहते हैं ना कि जब तक अपने पर बात ना आए तो समझ नहीं पाते। अब मैं ये समझ गया हूँ, अब मैं जान गया हूँ कि गांव वाले कितनी परेशानी उठा रहे हैं। अब से उस एम्बुलेंस की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं अपने गांव में भी मेरी बेटी के नाम पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाकर सबका मुफ्त इलाज करवाऊंगा। ये सुनकर सब खुशी से ताली बजाने लगे। बाद में रामदेव नौकरी के लिए बस में रवाना हुआ तो गांव वालों ने उसे विदा किया। तब से उस गांव में एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर लोगों की सेवा करने लगा। गॉडस एंड गोल्डन बफेलो। धनुकवाड़ी नाम के गांव में सोनाबाई नाम के देवी का मंदिर था। उस देवी के बहुत सारे आभूषण, मंदिर के कई एकड़ जमीन और भक्तों के दान पेटी में डाले हुए करोड़ों रुपए नकद थे। उस मंदिर की देखरेख और गांव की देखरेख उस मंदिर का धर्मकर्ता ही करता था। हर साल सोनाबाई मंदिर का उत्सव होता था, जिसके अंतर्गत भैंसों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। उस प्रतियोगिता में जिसका भैंसा मंदिर के धर्मकर्ता के भैंसे को हरा देता था, वही अगला धर्मकर्ता नियुक्त किया जाता था। यूं कुछ साल पहले आशुतोष राणा नाम के व्यक्ति उस मंदिर का धर्मकर्ता नियुक्त हुआ। एक दिन भूतपूर्व धर्मकर्ता किशन गोस्वामी अपने बेटे और बेटी के साथ उस मंदिर में आया और देवी का दर्शन करके वापस जा रहा था कि मंदिर का पुजारी, किशन जी आपसे एक बात करनी है। मंदिर का जो भी कमाई होता है वो सब आशुतोष राणा जी अपने निजी खर्चे के लिए ले जाते हैं और मेरा वेतन भी नहीं दे रहे हैं। मेरी पत्नी और बच्चों के तो खाने के भी लाले पड़े हैं। ये सुनकर किशन बहुत दुखी हुआ। पर भक्तों का चढ़ावा तो आपको मिलता है ना? यहाँ के आसपास के 10 गांव के सैकड़ों लोग जो इस मंदिर के दर्शन के लिए तो आते ही हैं, है ना? कहा किशन जी, अब जो ये महामारी फैली हुई है इसके कारण एक गांव के लोग दूसरे गांव नहीं जा रहे हैं, इसीलिए दूसरे गांव के लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं। कहकर कुछ और बताने वाला था कि एक आदमी, जी हाँ किशन जी, पुजारी जी सच कह रहे हैं, मेरा नाम चेतन है, मैं और मेरे साथ 50 परिवार वाले मंदिर के बाहर फल फूल और नारियल बेचा करते हैं और गुजारा करते हैं। इस महामारी की वजह से बिना आमदनी के बहुत परेशानी हो रही है। हम ही नहीं, गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बिना आमदनी के बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। सब एक वक्त खाते हैं और एक वक्त भूखे ही सो जाते हैं। तब किशन गोस्वामी बहुत दुखी हुआ और आप लोग चिंता ना करो, ये देवी जी ही हमें मार्ग दिखाएंगी। यूं उन्हें आश्वासन देकर वहां से अपने बच्चों के साथ चला गया। बाद में कुछ गांव वालों के साथ मंदिर के धर्मकर्ता और गांव के मुखिया आशुतोष राणा के पास गया। आशुतोष जी, इस महामारी के कारण कुछ महीनों से बिना कोई आमदनी के अपने मंदिर के पुजारी और कई गांव वाले बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। अपने मंदिर के करोड़ों रुपए गांव वालों को बांटिए और उनकी आर्थिक सहायता कीजिए। देखिए भूतपूर्व धर्मकर्ता महोदय, मंदिर के धर्मकर्ता और गांव का मुखिया होने के नाते मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ, आपकी राय की जरूरत नहीं है, यहाँ से अब आप जा सकते हैं, ऐसा कहा नाराज होकर। ऐसे ना कहें, लोग तकलीफ में हैं, मंदिर के पैसे गांव वालों के काम आए तो देवी प्रसन्न होंगी, कृपा करके मेरी बात मानिए, यूं उसने विनती की। मंदिर के पैसों को कहां उपयोग करना है धर्मकर्ता होने के नाते मेरी मर्जी है, आप यहां से जा सकते हैं, यूं ढीठ बनकर बात करेंगे तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा जवाब दिया। तब धर्मकर्ता सोच में पड़ गया और अपने आप से, इस बात को अगर आगे नहीं बढ़ाना हो तो किशन जी के लिए एक चुनौती देनी होगी जो वो नहीं कर सकता। यूं मन में सोचकर, देखिए किशन जी, यहां बेवजह तमाशा ना करें, इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। एक हफ्ते में सोनाबाई देवी मंदिर की वार्षिक समारोह है ना, उसके अंतर्गत होने वाले भैंसे की प्रतियोगिता में यदि आपका भैंसा मेरे भैंसे से जीत जाए तो आप ही धर्मकर्ता होंगे और तब आप गांव के मुखिया बनेंगे, तब आप मंदिर के पैसे गांव वालों में बांट दीजिए। ये तो अन्याय है, आपका भैंसा मेरे भैंसे से ताकतवर है, मेरा भैंसा अच्छा पौष्टिक आहार देकर तैयार करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मैं इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता।
आशुतोष अपने मन में, तुम स्वीकार नहीं करोगे ये जानकर ही तो मैंने ये चुनौती दी है। किशन जी, मुझे धर्मकर्ता के अहोदे से कोई नहीं निकाल सकता, इस गांव का धर्मकर्ता और मुखिया मैं ही रहूंगा। इतने में एक गांव वाला किशन जी के पास आया, उन्हें अलग ले जाकर किशन जी देवी माँ की कृपा से आशुतोष को मुखिया के पद से हटाने का यही सुनहरा अवसर है, आप चुनौती स्वीकार करें, गाँव वाले आपका समर्थन करेंगे। ठीक है मुखिया जी, मुझे चुनौती स्वीकार है। देखता हूँ कि एक हफ्ते में अपने दुबले पतले भैंसे को तुम तगड़ा भैंसा कैसे बनाते हो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अगले दिन किशन अपने हिस्से का भी खाना अपने भैंसे को दिया और इन चार रोटियों और थोड़े से घास से मेरा भैंसा एक हफ्ते में ताकतवर कैसे बनेगा, यूं चिंता कर रहा था कि तभी गांव वाले अपने अपने हिस्से के भोजन लेकर किशन जी के पास आए। किशन जी, आपके भैंसे को ताकतवर बनाने के लिए हम भी आहार लेकर आए हैं, आप चिंता ना करें। यूं हर एक आदमी हफ्ते भर में भैंसे को रोटी, चावल, सब्जी, फल वगैरह खिलाते रहे, दुबला पतला भैंसा ताकतवर बन गया। सबके मन में उम्मीद जागा कि प्रतियोगिता में किशन जी का भैंसा ही जीतेगा। ये बात जानकर आशुतोष राणा बहुत परेशान हुआ। प्रतियोगिता से एक दिन पहले रात को आशुतोष किशन के भैंसे को चरा कर ले गया। अगले दिन सवेरे भैंसे को गायब देखकर, आय राम, ये क्या, सब गांव वालों ने अपना भोजन त्याग करके इस भैंसे को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था, अब भैंसा गायब है तो मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा, कहकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी गांव की देवी उसके सामने प्रकट हुई और, किशन बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे भैंस के बदले में मैं एक सुनहरा भैंसा दे रही हूँ, वो बहुत ताकतवर है, वो प्रतियोगिता बहुत सफलता से जीत जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो, कहकर एक सुनहरा भैंसा उसे देकर देवी अदृश्य हो गई। सोनाबाई मंदिर के सामने आशुतोष राणा के भैंसा और किशन जी के भैंसे के गले में एक एक बड़ा पत्थर बांधा। जो भैंसा अपने गले में बांधे पत्थर के साथ ज्यादा दूरी तक जाएगा वही विजेता होगा, ये घोषणा की गई। आशुतोष के भैंसे के ऊपर आशुतोष सवार था और किशन जी के भैंसे के ऊपर उसके बच्चे बैठे थे। राणा का भैंसा थोड़ी दूर पत्थर को खींचता हुआ गया और फिर थक गया। किशन जी का भैंसा काफी दूर पत्थर को खींचता हुआ गया और विजयी हो गया। विजेता भैंसे पर सवार होकर दोनों बच्चे मंदिर के सामने आए। किशन जी नया धर्मकर्ता नियुक्त किए गए और वो मंदिर के पैसे गांव वालों में बांटा। देवी जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दे रही थी।